कनाडा जितना फैंसी दिखता है उतना है नहीं। विंटर्स में गाड़ी के बिना आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, गाड़ी लेने के आपके पास पैसे होंगे नहीं। अगर आप जैन 2023 में आ रहे हो देन ये सोच के आओ कि आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। हॉस्पिटल्स इन कनाडा गोइंग टू कोलैप्स। यहाँ पे ना आपको मेडिसिन मिलती है ना आपको प्रॉपर डॉक्टर्स मिलते हैं। मेरे दोस्त का एक MRI स्कैन होना था, उसको 14 घंटे वेट करना पड़ा। Hey guys, welcome and welcome back to my channel. आज के ब्लॉग में we'll be talking about the dark side of Canada, which no one ever says you, which no one ever talks about, and these are the 6 reasons why you should never ever move to Canada. एकदम ग्राउंड रियलिटी आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है। मेक श्योर यू आर नॉट डीमोटिवेटेड। मैं रियलिटी शेयर करूंगा। ऑल दिस फैक्टर्स, ऑल दिस पॉइंट्स आर ट्रूली बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, माय ओन ओपिनियन। मेक श्योर टू वॉच टिल एंड। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बिकॉज दैट्स माय ओनली मोटिवेशन टू मेक सच व्लॉग्स। एंड हियर आर द 6 reasons व्हाई यू शुड नेवर मूव टू कनाडा। The first reason why you should not move to Canada is because finding a job is not really that easy, guys. ठीक है, इंडिया में फिर भी जॉब मिल जाती है, कंपटीशन है, बैड पॉलिटिक्स है, फिर भी जॉब मिल जाती है, बट यहाँ पे फील्ड जॉब्स मिलना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स, फील्ड जॉब्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज नंबर वन रीज़न इज हम स्टूडेंट लाइफ में इतना एनग्रॉस्ड होते हैं अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को लेकर कि हमको अपना स्किल डेवलप करने का, अपने फील्ड पर फोकस करने का टाइम ही नहीं मिलता है। इवेंचुअली हम ऐसे ही 2-3 साल बीत जाते हैं, हम वर्क परमिट पर आ जाते हैं। ईजी जो जॉब्स कनाडा में मिलते हैं, द इजीएस्ट जॉब्स आर जनरल लेबर। ठीक है, जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं इंडिया में जिनका 5-5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, स्टडीज भी कंप्लीट हो रखी है, उनको मे भी पसंद ना आए। सो इन अ वे गेटिंग अ फील्ड जॉब इज रियली डिफिकल्ट इन कनाडा। ऊपर से हमारा जो ये 20 घंटे का रूल है कि स्टूडेंट्स आर नाउ एलिजिबल टू वर्क मोर देन 20 आवर्स इन कनाडा, हैज मेड इट मोर डिफिकल्ट फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स हु आर नॉट एलिजिबल अंडर दिस लॉ। उनके लिए गेटिंग अ पार्ट टाइम जॉब फॉर देमसेल्फ इज सुपर डिफिकल्ट, बिकॉज एम्प्लॉयर्स चाहते ही हैं कि हम फुल टाइम पोजिशन में हायर करें। सारे स्टूडेंट्स अभी फुल टाइम हो गए हैं, तो पार्ट टाइम के लिए वैकेंसी रही नहीं। एंड एम्प्लॉयर्स डू नॉट प्रेफर पार्ट टाइम स्टूडेंट्स, पार्ट टाइम वर्कर्स इन द कंपनी, इन द ऑर्गेनाइजेशंस। सो ऊपर से अभी विंटर्स भी है, ओके, सो इट्स विंटर्स। विंटर्स में 20% तो हायरिंग रेट कम हो जाता है, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स डोंट इवन हायर, सो इट्स ऑल अ बैड सिचुएशन राइट नाउ। द सेकंड रीजन व्हाई यू शुड नेवर मूव टू कनाडा इज यू हैव टू ड्राइव अ लॉट, एंड बाय ड्राइविंग आई मीन एक्चुअली अ लॉट। यहाँ पे देर आर 4 बेसिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन: कार्स, बसेस, गो ट्रेन्स एंड स्ट्रीट कार्स। स्ट्रीट कार्स बस डाउनटाउन में मिलते हैं, एंड बाकी जो है ट्रेन्स एंड बसेस वो आपको मेनली मेन स्ट्रीट के ऊपर मिलेंगे, मेन रोड के ऊपर मिलेंगे। इन योर लोकेलिटी, इन योर सोसाइटी देर आर वेरी फ्यू ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन, ऐसे रिक्शा वाला, टोटो वाला, ऐसा कुछ होता नहीं है कनाडा में। सो इधर यू आर वॉकिंग और यू हैव टू हैव योर ओन कार फॉर बेसिक ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अगर आपको एक बेसिक एक केला भी लेने जाना है ना ग्रोसरी स्टोर, अपने सोसाइटी में कोई ग्रोसरी स्टोर वगैरह का सिस्टम है नहीं, यहाँ पे यू हैव टू गो टू अ शॉपिंग मॉल, कोई प्लाजे में जाना होगा, या फिर वॉलमार्ट के आउटलेट पे, नोफिल्स के आउटलेट पे, कॉस्को के आउटलेट पर, फ्रेशको के आउटलेट पर जाना पड़ता है। वॉकिंग इन -20 -25 विद ग्लव्स ऑन, विद हैवी गियर, विंटर जैकेट, विंटर बूट्स, दोज आर वेरी हैवी स्टफ्स राइट, तो उसको लेके ऐसे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इफ यू अ पर्सन हु डजंट लाइक ड्राइविंग और इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू बाय अ कार इमीडिएटली आफ्टर कमिंग टू कैनेडा in like few months, then Canada is not for you. You shouldn't be considering Canada as an option to move. The third reason why you should not move to Canada is because your experience doesn't count. No matter how qualified or experienced you are in your field back in your home country, it doesn't count in Canada. In Canada, everything requires a certification. Har ek cheez ke liye aapko exam clear karna padega. You have to possess certifications in order to do stuffs that you used to do back then in India. Same level stuffs. Agar India mein aap teacher the, yahan pe bhi teacher banne ke liye aapko certification dena padega. Agar India mein aap gym trainer the, यहाँ पे भी जिम ट्रेनर बनने के लिए यू हैव टू गिव एन एग्जाम, क्लियर द एग्जाम, देन यू एलिजिबल टू वर्क एज अ जिम ट्रेनर हियर इन कनाडा। सो हर एक बेसिक चीज के लिए आपको सर्टिफिकेशन एंड एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं कनाडा में। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच अगेन फॉर दोज पीपल जिनका स्टडीज पूरा कंप्लीट हो गया है, फॉर दोज पीपल जिनका दो तीन साल 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, उनके लिए इट बिकम्स वेरी सफोकेटिंग, वेरी इरिटेटिंग एंड वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन। पढ़ाई करो, फिर वर्क एक्सपीरियंस लो, फिर अपने फील्ड पे काम करो जो वो बैक इंडिया में करते थे, बैक होम कंट्री में करते थे। सो टेक्स अ टॉल ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड इट अफेक्ट्स योर मेंटल पीस हियर इन कनाडा। द सेकंड रीजन व्हाई यू शुड नॉट मूव टू कनाडा इज बिकॉज कनाडा इज हैविंग सुपर हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस। ओंटारियो में देयर इज 13% टैक्स रेट, मतलब $100 अगर आप कमाते हो $13 आपको टैक्स देना पड़ेगा। एंड विद कंपाउंडिंग जब आपका इनकम बढ़ेगा और टैक्स भी आप बहुत होगा, मैं पर्सनली $380 टैक्स देता हूँ महीने का, तो साल का आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना हो सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पॉलिसीज, बहुत ज्यादा प्रोविजंस, फैसिलिटीज, एमिनिटीज देती है, बट यू हैव टू पे योर टैक्सेस फुल्ली, नो ड्यूज आर एंटरटेन्ड। 13% इन ओंटारियो, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आते हैं इंडिया से, स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स बोथ, ठीक है। एंड क्यूबेक में भी लोग आते, तो क्यूबेक का भी बता दे, तो 15% इन क्यूबेक।
The next reason why you should not move to Canada is because you're all alone here, you're on your own. यहाँ पे आपका देखभाल के लिए कोई है नहीं. इंडिया में भाई गरम गरम खाना मिल जाता था, कपड़े अलमारी में टंग जाते थे आयरन होके. भाई गाड़ी में घूमते थे अपना बिंदास फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ. गैस की कोई टेंशन थी नहीं, एक कॉल पापा को घुमाओ गैस डल जाती थी, पूरा टंकी फुल हो जाती थी. सो आई नो आई हैव फेल्ट द सेम थिंग. भाई अपने होम कंट्री में हम सिटीजन से अपना पूरा स्टेबलाइज सारे कुछ है, तो वहाँ पे पॉसिबल है. बट कैनेडा में ये सारी चीज आपको खुद करनी पड़ेगी, एंड इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल स्पेस. मेंटल पीस बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है इससे. यहाँ पे पता लगता है भाई कुकिंग टाइम टू टाइम कुकिंग करना क्या होता है, टाइम टू टाइम लॉन्ड्री क्या होता है, घर की सफाई क्या होती है, टाइम टू टाइम प्रॉपर डिसिप्लिन होकर कपड़े पहन के काम पे जाना क्या होता है, ठीक है, हर दिन 5 days a week, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस, पर्सनल फाइनेंस कैसे करते हैं, सारा कुछ, टाइम मैनेजमेंट सारा कुछ हम सीखते हैं. इट मेक्स अस अ बेटर पर्सन फॉर श्योर. बट ये बहुत ज्यादा एक डिफिकल्ट काम है, हमें स्क्रैच से सारा कुछ खुद से करना पड़ता है. मोस्टली वी आर इनएक्सपीरियंस बिकॉज इंडिया में भाई हम हाथ पे हाथ डाल के अपना नेटफ्लिक्स देखते थे, ठीक है, चिल करते थे, तो हमको आदत है नहीं. बट मम्मी भी तो करती थी. नाउ वी फील व्हाट आवर मॉम्स डज फॉर आवरसेल्व्स इन आवर होम कंट्री. अपने घर में मम्मी का क्या रोल है वो हमें पता चला कनाडा आगे. नेक्स्ट रीजन व्हाई यू शुड नॉट मूव टू कनाडा इज बिकॉज यहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा गंदा है गाइस. यहाँ का जो डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स है ना, द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, द एंटायर सिस्टम इज गोइंग टू कोलैप्स इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. बिकॉज यहाँ पे आपको सिंपल ये है कि यहाँ पे आपको डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, मेडिसिन भी आपको नहीं मिलती है. तो अगर आप ऐसे बंदे हो जिसका पेन टॉलरेंस ज्यादा है नहीं, जिसका रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है नहीं, आपको बहुत ज्यादा जुकाम वगैरह हो जाते हैं विंटर्स में, देन आई एम टेलिंग यू यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलती डॉक्टर्स की. आप हफ्ते में एक बार विजिट कर लोगे, $180-$200 $12,000 एक विजिट के लग जाते हैं. एंड मेडिसिन भी ऐसा नहीं है कि भाई हम घर से निकले दो गाड़ी लेके गए, हमको दुकान मिल गए, मेडिसिन शॉप्स मिल गए, वहाँ पे आपको सारे प्रेस्क्रिप्शन वगैरह, मतलब प्रेस्क्रिप्शन भी नहीं लगती थी इंडिया में, ऐसे ही मिल जाते. यहाँ पे हर एक मेडिसिन का आपको प्रेस्क्रिप्शन दिखाना पड़ेगा, ओनली देन विल गेट द मेडिसिन, नहीं तो आप सफर करोगे. एंड और एक चीज़ जो डार्क रियलिटी हॉस्पिटल का जो मेन चीज़ है जिसके लिए मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ, दैट इज यहाँ पे जो बंदा मरने वाला है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. एल्स आपके साथ कुछ भी हो जाए, कुछ भी हादसा हो जाए, आपके आपको कोई जानलेवा बीमारी, आपको कोई डिजीज़ है, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, आपका MRI होना है, आपका हार्ट टूट गया, पैर टूट गया, ठीक है, किडनी फेल हो गया, डजेंट मैटर, आपके इधर स्टोन है, पेट में दर्द कर रहा है, ठीक है, नथिंग मैटर्स. आपको वेटिंग लाइन्स पे घंटों वेट करने पड़ेंगे, 5-6 घंटे तो मिनिमम है गाइस, ठीक है. तो देन यू विल गेट योर ट्रीटमेंट. एंड यहाँ पे जो मेडिकल सिस्टम है, नर्सेस वगैरह भी अच्छे नहीं होते हैं. इंडिया की तरह नहीं है कि कुछ भी हो जाए अपोलो चले गए, कुछ भी हो जाए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चले गए, कहीं भी एनी टाइम एट नाइट मिडनाइट पे भी हमको डॉक्टर्स वगैरह मिल जाते हैं इंडिया में. यहाँ पे 8 बजे सारा कुछ बंद हो जाता है, नथिंग इज अवेलेबल फॉर यू, यू आर जस्ट गोइंग टू सफर इफ यू आर नॉट medically fit or if you're not healthy enough. 7th reason why you should not move to Canada is because Canada doesn't entertain introverts. Okay, if you're an extrovert, that's okay, well and good. If you're a person who doesn't like making connections with people, who doesn't like making networks, who doesn't like talking, जो अपने में रहना पसंद करते, अगर इंडिया में आप ऐसे थे कि जो अपना कोई फ्रेंड सर्कल जिसका नहीं था, जो अपने में you read books, you watch your own Netflix series पूरा टाइम घर में रूम में जिस मम्मी पापा के साथ रहते थे, then it's gonna be very difficult for you in Canada because अगर कल्चर ही ऐसा, यू हैव टू फोर्सफुली टॉक टू पीपल, यू हैव टू मेक कनेक्शंस, यू हैव टू मेक नेटवर्क. अगर आप ग्रोथ चाहते हो, यहाँ पे कनाडा वर्क्स विद रेफरेंस गाइस, तो अगर आपको कनाडा में आगे बढ़ना है, देन यू हैव टू हैव रेफरेंसेस, हैव टू हैव नेटवर्क्स, एंड उसके लिए आपको बातचीत करनी पड़ेगी, आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे. सो फॉर एन इंट्रोवर्ट, इट्स सिंपली गोना गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रो हियर इन कनाडा करियर वाइज. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको आई ओपनर्स, आपको नए पर्सपेक्टिव्स मिले होंगे. सो मोटा मोटा यही है कि आई एम नो वन टू टेल यू वेदर यू शुड चूज कनाडा और नॉट. आप दूसरी कंट्री में जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस जा सकते हो, आपकी मर्जी है. कनाडा भी आ सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी है. बट ऑल आई एम टेलिंग यू, दीज आर द थिंग्स विच एवरी वन फेसेस, एवरी स्टूडेंट, एवरी वर्कर विल फेस. अगर आप आने वाले हो, आप फेस करोगे, जो आ गए हैं वो रिलेट कर सकते हैं मेरे वर्ड्स के साथ. अगर मैं गलत बताता हूँ, सिंपल ओपनली कमेंट में गाली बक दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक बटन दबा दो, शेयर मत करो. बट अगर मैं एक भी पॉइंट सच बताया हूं, अगर आपको ये फील हो कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज रोड टू 100K इज ऑन. हम करेंगे 1 लाख जल्दी ही, न्यू ईयर तक प्लान है गाइस, बाकी आपकी मर्जी है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, आई लव यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा.